आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गैमो एक्सपेंडर और गैमो रॉकेट के बीच में एक फायर टेस्ट करके दिखाएंगे। छोटा सा फायर टेस्ट करेंगे हम, लेकिन जिस पे करेंगे वो बहुत हैवी मटेरियल होगा। तो अभी आप ये मेरे गन का केस है और ये गैमो की पहली पैलेट निकली रॉकेट डिस्ट्रॉयर, और अब ये दूसरी भी देख लीजिए आप, गैमो एक्सपेंडर। ये कंपनी क्लेम करती है कि ये हंटिंग के लिए होती है। इनकी पावर टेस्ट करके आपको दिखाएंगे दोनों की। ये दोनों ही लेड की पैलेट है। जो रॉकेट पैलेट है उसके आगे कॉपर की टिप लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बस ये जो गैमो की रॉकेट पैलेट्स हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव पैलेट्स होती हैं। ये हमारी आर्मर मॉडल 35 बिल्कुल न्यू कंडीशन में। हम राइफल की केयर बहुत करते हैं, क्योंकि ये आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा टीन का कैन, जो एशियन पेंट्स का है, और एक ये बजर का है। ये दोनों ही बहुत हार्ड हैं। और ये ग्लास की आप ये देख सकते हैं, इस ग्लास पे भी हम आपको शूट करके बीच में दिखा देंगे। बाकी ये हमारा टारगेट नहीं है, मेन टारगेट हमारा ये कंक्रीट का बना हुआ एक ब्लॉक है जो मैंने आपके लिए तैयार करवाया है। ये 3 इंच मोटा कंक्रीट का ब्लॉक है। इस पर हमने ये पहले कुछ फायर करे हैं दूसरी राइफल से, वो अलग हैं। तो अभी ये हम अपनी राइफल को लोड करते हैं, और ये हमने फर्स्ट पैलेट डाली है गैमो रॉकेट की, ये आप देख सकते हैं। इसकी पावर देखते हैं। ये जो भी मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा, ये 30 मीटर की दूरी से शूट करके दिखाऊंगा। अब आपको पहला शॉट दिखा, और ये आप देख सकते हैं इसका, इसने कितना टर्मिनेट किया है कैन को। ये इसका एंट्री होल है और ये इसका एग्जिट होल है। कुछ ख़ास होल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं बजर एक कंपनी का कैन कितना मोटा होता है। अब ये गैमो एक्सपेंडर की पावर आपको दिखा देते हैं, इसकी पावर उससे ज़्यादा है कि नहीं। ये लोड होगी हमारी गन, और ये आप टारगेट हमारा लग चुका है बिल्कुल निशाने पे, और इसका आप देख सकते हैं टर्मिनेट इसने कितना किया है। ये इसका एंट्री होल है, ये रॉकेट से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और इसका एग्जिट होल, इसने भी एग्जिट होल सेम किया है। तो ये अंदर से आपको एक व्यू दिखा देते हैं। अब हम आपको कंक्रीट पे शूट करके दिखाएंगे। तो ये पहले हम गैमो रॉकेट से शूट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडर से शूट करके दिखाएंगे हमारी गन लोड होगी। और ये टारगेट सेट किया हमने, और ये निशाना, और ये आप इसका अब देख सकते हैं कि इस कंक्रीट में कम 1 इंच धस चुकी है अंदर। यहाँ से इसने यहाँ से कंक्रीट को फाड़ दिया, मतलब इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है रॉकेट का। अब एक्सपेंडर का देख लेते हैं, फिर कंपेयर करके आपको बता देंगे। और ये एक्सपेंडर का आप डैमेज देख सकते हैं, मतलब रॉकेट पैलेट में पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसके आगे कॉपर की टिप लगी होती है, तो वो टिप ने वो होल बना दिया उसके अंदर। अब ये देखिए आप, ये जो मैंने शूट किया है ये दोनों में से किसी पैलेट से शूट नहीं किया, ये स्लग पैलेट से शूट किया गया है जो हमारे पास एक बची हुई थी। तो आप ये हमारी आर्मर की लुक देख सकते हैं गन की। धन्यवाद।